वनराज और अनुज की हुई है बात। जी हाँ, वेल दोस्तों, आने वाला एपिसोड आपको अनुपमा का बहुत ही अमेजिंग और ट्विस्ट भरा देखने को मिलेगा। और वहीं एक तरफ आपको अपकमिंग एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा कि अनुज और वनराज की हुई है बात। वेल दोस्तों, अब बात करते हैं आखिर क्या बात हुई है इन दोनों की। वेल दोस्तों, वो कुछ यानी कि आने वाले एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा कि फाइनली वनराज और अनुज बात कर रहे होते हैं। तो वहीं एक तरफ वनराज बोल रहा होता है कि तुम और श्रुति शादी करो, मैंने सुनने में आया, हमारे यहाँ कार्ड भी आया। तो वहीं एक तरफ अनुज बोलता है कि हाँ, हम दोनों शादी कर रहे हैं। तो वहीं एक तरफ वनराज बोलता है कि दिल में कोई और बाहर कोई और, यानी कि अनुज बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो वहीं एक तरफ अनुज बोलता है कि मैं कहना ये चाहता हूँ कि दिल में तो तुम्हारे अनुपमा है और बाहर से तुम श्रुति से शादी कर रहे हो, ऐसा तो बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। जी हाँ, लेकिन इसी वक्त अनुज कुछ भी इस बात पे नहीं बोलता है। तो वहीं एक तरफ वनराज बोलता है कि पहले जब तुम्हारी और अनुपमा की शादी हुई थी तो मैं आया था, अब देखना ये हुआ कि तुम्हारी और श्रुति की शादी हो रही है तो क्या अनुपमा इसके अंदर आती है या फिर नहीं। वेल दोस्तों, आने वाला एपिसोड बहुत ही अमेजिंग देखने को मिलेगा। और ये दोनों की ये चीजें बात हुई थी। वेल, अब देखना ये होगा कि अनुपमा अनुज और उसके शादी में जाती है या फिर नहीं, यानी कि अनुज के और श्रुति के शादी में जाती है या फिर नहीं। वेल दोस्तों, आने वाला एपिसोड आपको बहुत ही अमेजिंग, ट्विस्ट वगैरह, इंटरेस्टिंग सब चीजें आपको देखने को मिलेगी अपकमिंग एपिसोड के अंदर। वेल, अब अनुपमा भी अपने लाइफ से दूर करने लग चुकी है अनुज को। जी हाँ, वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है अपकमिंग एपिसोड के अंदर, तो वो आप हमें कमेंट कर बता सकते हो। और अनुज की शादी में जाने वाली है अनुपमा या फिर नहीं, तो ये भी जरूर बताना कमेंट कर। और ऐसी अपकमिंग एपिसोड के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं नए वीडियो और नए अपडेट के साथ। और हाँ, वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। सो बाय।